फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एसएसएससी में। तो फ्रेंड्स, आईजू मीरपुर की तरफ से आपकी एग्जाम गाइडलाइन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कितने टाइम में होगा आपका, किस इवनिंग में होगा या फिर मॉर्निंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन, और साथ ही आपकी जो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की आपकी डेट शीट है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो बिना वक्त जाया किए हुए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजी की डेट शीट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपकी पीजी की जो डेट शीट है वो शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद फिर आपकी यूजी की डेट शीट यहां पर देखने को मिलेगी। आपकी लगभग डेट शीट जारी हो गई है, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की डेट शीट यहां पर देखने को मिलेगी आपकी, फोर्थ सेमेस्टर की, फिर ये सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, उसके बाद सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ एंड टेंथ, फिर ये आपकी सेकंड एंड फोर्थ, फिर ये आपकी सेकंड सेमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ आपका टाइम रहने वाला है, इवनिंग में होगा या फिर मॉर्निंग में, कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, कितना टाइम आपको पेपर सोल्व करने में मिलेगा, साथ ही बात करेंगे आपकी जो नई एसओपी जो जारी हुई है उसके बारे में। तो एसओपी नई जारी हुई है आपकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी डेट शीट के बारे में। आपके जो एग्जाम है वो कब से शुरू होने वाले हैं, हम यहां पर खोलने वाले हैं आपकी जो बीए पास कोर्स फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर की डेट शीट, आपको यहां पर सॉल्व कर आपको शो करके दिखाएंगे। बाकी डेट शीट के बारे में भी बात करेंगे, सबसे पहले ये डेट शीट, एक डेट शीट हम ओपन करके देख लेते हैं तो क्या कुछ है इस डेट शीट में, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डेट शीट पहले ही ओपन कर ली है, तो फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट है पास कोर्स के, उनके लिए ये डेट शीट जारी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपका कोर्स बताया गया है बीए फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर एंड रिपेयर इंप्रूवमेंट के एग्जाम जुलाई में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाने वाली है। सुबह का टाइम आपका होने वाला है 9 से और 11:15, 2 घंटे 15 मिनट पूरे आपको मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने में मिलेंगे। आपको ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपका जो पेपर आएगा उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने यह नहीं बताया कि आपका 1 क्वेश्चन कंपलसरी होगा या फिर आपके 2 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, तो मे बी आपका 1 क्वेश्चन कंपलसरी हो सकता है और आपका जो भी 2 क्वेश्चन आप कोई भी जो है सोल्व कर सकते हैं। तो एनी 3 क्वेश्चन आपका जो है पेपर पैटर्न रहने वाला है इस बार। 21 तारीख से आपके जो ये एग्जाम है, लगभग आपके एग्जाम 20 से शुरू है, 21 से, तो ये आपके जो थ्योरी डेट शीट है बीए की, ये एग्जाम आपके 21 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इंग्लिश का आपका पहला पेपर है, उसके बाद यहाँ पर आपका पेपर कोड दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी पेपर आईडी यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये डेट शीट आज जारी हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे बड़ी अपडेट आई है आईजू मीरपुर की तरफ से। अब बात करते हैं आपकी एसओपी गाइडलाइन जारी हुई है, क्या कुछ आपकी गाइडलाइन जारी हुई है उसकी बात करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम फिर से चलते हैं अपने पुराने टैब पर। तो यहां पर मैंने जो नई एसओपी है वो जारी हुई है वो ओपन की है यहां पर। तो नई एसओपी में क्या कुछ बताया है यूनिवर्सिटी ने, तो नई एसओपी में ओनली आपको एक लाइन बताई गई है कि आपके जो भी हमने जो नोटिस डाला था, पिछली एसओपी डाली थी, उसमें जो लॉ और फार्मेसी का जो पॉइंट नंबर 4 था उसको डिलीट किया जाता है। यानी क्या था उसमें, उसमें बताया गया था कि आपको जो एनी 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं 3 आवर में, तो वो आपकी अब डिलीट की जाती है। अब आपका जो पुरानी एसओपी थी उसमें क्या कुछ था, पुरानी एसओपी ये थी, इसमें आपका 4th पॉइंट डिलीट किया गया है, थर्ड जो यूजीपीजी का जो पॉइंट है वो डिलीट किया गया है, नहीं जो आपका लॉ का कोर्स है उसको इसमें डिलीट किया गया है। तो आपका यूजीपीजी के जो एग्जाम है, यूजी के एग्जाम आपके 2 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। एनी 3 क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करने हैं, और आपके जो सेशन है मॉर्निंग में आपका जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी डेट शीट जारी हुई है। अगर आपको अपनी डेट शीट देखनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगी। आपको यहां पर सभी डेट शीट लगभग देखने को मिल जाएगी, आपकी कौन सी डेट शीट है, आपकी बीए की है या फिर बीकॉम की है, आपको कोई भी डेट शीट डाउनलोड करनी है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, अगर आप आईजू मीरपुर के स्टूडेंट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जो है हमारे जो ऑनलाइन आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स के लिए आईजू मीरपुर और उससे जुड़े कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो है उसमें जुड़ सकते हैं। तो सेकंड की अभी तक अनुमानित डेट नहीं थी कि सेकंड की यूनिवर्सिटी जारी कर सकती है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं था कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हम अभी लेंगे। यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अभी बाकी हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हम अगस्त के बाद में लेंगे, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी है उसने सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट भी जारी कर दी है। तो अभी जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो अब फर्स्ट सेमेस्टर के बचे हुए एग्जाम देंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होने वाले हैं। पहली बार ये हुआ है, हालांकि यूनिवर्सिटी ऐसा करती नहीं, कम से कम यूनिवर्सिटी को 6 महीने का जो टाइम पीरियड देना होता है एक सेमेस्टर के दूसरे सेमेस्टर के बीच, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच, लेकिन इस बार आपको 1 महीने का टाइम भी नहीं मिलेगा। जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होते हैं वैसे ही आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के जो कोर्स हैं उनके रीअपीयर की डेट शीट है, रेगुलर की डेट शीट है, इंप्रूवमेंट की डेट शीट है, सभी डेट शीट यहां पर जारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।